हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नाश्ता बनाने वाली हूँ आलू और रवा की। तो देखिए, चार आलू मीडियम साइज में ले लिया, इसको छील लिया है। अब ये जो कद्दू, ये छोटे कद्दू कस वाला है, इसी में हम आलू घिसेंगे, छोटे छोटे लच्छा निकालेंगे। ये बहुत जल्द नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, इस तरह लच्छा छोटा छोटा निकालेंगे। ये देखिए, अच्छे से धो लिया है, तीन चार दही पानी डाल के अच्छे से धुल गया है आलू। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं पानी गार के। देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें हम तेल डालेंगे दो चम्मच के करीब। तेल गरम हो गया, इसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे, हरी मिर्च दो डालेंगे। इसको चलाएंगे चटकने। अब ये डालेंगे सफ़ेद तिल, तीन चम्मच के करीब है, इससे स्वाद बहुत बढ़िया बनता है नाश्ता के। एक चम्मच चिली फ्लेक डालेंगे, इस पर आप लाल मिर्च कुटी डाल सकते हैं, हरी भी और डाल सकते हैं, और डाल देकर अच्छे से तिल फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, दो गिलास के लगभग पानी डाल देंगे। इसी में हम आलू डालेंगे जो कसा हुआ था। ये देखिए, अच्छे से मिला देंगे, इसको एक मिनट में ही पकने देंगे, थोड़ा आलू हल्का सा पक जाए। थोड़ा सा कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, इसको मिला लेंगे दो मिनट में। करीब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसी में एक कटोरी के लगभग रवा है, कोई भी रवा ले सकते हैं, जैसे हलवा उलवा बनाने के लिए वो भी रवा चल जाता है। अब इसको हम धीरे धीरे करके डालेंगे और फिर चलाते हुए। ये देखिए, अच्छे से मिल गया। अब इसको एक मिनट तक ही ढक देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत भाप में हल्का जो होगा पक जाएगा। अब एक मिनट हो गया, इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से पक गया है रवा आलू। अब इसको मिला लेंगे, अब गैस बंद कर देंगे हम। इसको एक मिनट तक ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब दिखाती हूँ। अब एक प्लेट में इसको ना लेते हैं। ये देखिए, एक मिनट हो गया है, एकदम ठंडा हो गया है। अब इसको हम आटा जैसा ढोल बनाएंगे। अब इसको हम आधे से काटेंगे, आधे पीस से गोल करेंगे। ये देखिए, लंबे शेप में कट दिया है। अब इसको हम चाकू से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। देखिए, रवा और सूजी से हम लोग ने पोटैटो स्टिक बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। देखिए, ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें पोटैटो स्टिक डालेंगे जो बनाया है। देखिए, ये धीमे आंच में पकाएंगे हम। देखिए, एक डिजाइन इसमें हमने दिया है, कितना बढ़िया डिजाइन बना हुआ है, जिसे पत्ती रहती है उस तरह डिजाइन दिया है हमने। अब जा रहे हैं इसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए, हो गया है बढ़िया फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं, कितना बढ़िया फ्राई हुआ है एक प्लेट में। देखिए, पोटैटो स्टिक बन करके रेडी हो गई। अब हम इसे तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, कितना कुरकुरा और कितना बढ़िया बना है। अगर आपको हमारी पोटैटो स्टिक की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।